आज आ गए हैं, कहाँ आए हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। और इस समय कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि नहीं जी? नहीं। आपका नाम? सचिन कुमार। अछा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार छपड़ा। अच्छा अच्छा, क्या विषय हैं और किस ईयर में हैं आप? अभी सेकंड ईयर में है, सोलर प्लांट डिपार्टमेंट से। अच्छा, तो किस क्या उम्मीद लेकर के आए हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इतनी दूर से? बस यही, कुछ अच्छी एजुकेशन मिले हमको यहाँ। अच्छी एजुकेशन, तो क्या आपको कैसा लगता है कि क्या अच्छी एजुकेशन आपको प्राप्त हो पाती है? हाँ, यहाँ पे तो है, टीचर्स आते हैं क्लास में। हाँ, तो अभी क्लासेस बंद चल रही हैं क्या? अभी कोरोना के चलते बंद चल रही है। अच्छा, हम लोग यहीं आगे पढ़ते हैं क्योंकि अच्छा पढ़ने में मन लगता है ना, वातावरण शांत, वातावरण शांत है यहाँ पर, बहुत ही शांत वातावरण है। ये सोशल सामाजिक संकाय की फैकल्टी है, जिसको फैकल्टी आप सोशल साइंस कहते हैं, और ये ग्राउंड है अपना। और ये हैं हमारे देवेश जी, हमारे ही नाम के हैं और सर भदोही सूर्यामा के रहने वाले हैं। पूरा नाम क्या है आपका? देवेश सिंह। देवेश सिंह, और सर बताइए क्या विषय हैं आपके? मैथ। और फाइनल ईयर है तो मैथ ऑनर्स आपने लिया है। अच्छा, और विषय आपके सेकंड ईयर में क्या थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उसके साथ में? हमारा एक्चुअली हम फैकल्टी ऑफ साइंस के हैं, तो मैथ फिजिक्स और स्टैट्स। मैथ फिजिक्स और स्टैट्स आर्ट्स में मिल गया था? नहीं नहीं, हमारा साइंस में था, तो हम लोग बस यहाँ पढ़ने आते। अच्छा, आप फैकल्टी आप फैकल्टी ऑफ साइंस के? हम दोनों फ्रेंड हैं। अच्छा, आप दोनों लोग फ्रेंड हैं। बैठ के शांति मिलता है पढ़ने के लिए, वातावरण अच्छा। सही है। नहीं, काफ़ी अच्छा माहौल है और शांति से बैठ करके पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा रहती है और पानी भी अच्छा खासा मिल जाता है, बाथरूम भी है बगल में ही, खुला रहता है तो आदमी जाके साफ सफाई रहती है, आदमी जी, जी। इसलिए वातावरण साफ है, इसलिए सही हो, इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। रूम पे रहते हैं तो सो जाते हैं। हाँ, सो जाते हैं। हाँ, यहाँ एक अलग ही ढंग रहता है। तो अब पहले तो 2016 तक तो कोई एजुकेशन नहीं था, अब तो कोई एजुकेशन हो गया है, तो कैसा रहता है, कैसा आप लोग महसूस? एजुकेशन का अपना अलग महत्व है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं आपको, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। जैसे तो जैसे कि अगर जैसे आप उसको सीखने के नज़रिए से ले रहे हैं तो कोई एजुकेशन बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए। अच्छा, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा। जैसे कि जब कोई एजुकेशन नहीं रहती है तो ऐसा नहीं कि कोई एजुकेशन ना रहने से हम नहीं सीख सकते हैं, लेकिन एक को एजुकेशन से अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है दो लोगों के बीच। अच्छा। दो या तीन, मतलब जितने ग्रुपें होंगे, ग्रुप में जितने लोग होंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि हर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा क्योंकि किसी भी मैटर पे। जी जी। आप अलग अलग चीज़ें जानेंगे कि हाँ इस सोच इस बंदे की सोचने की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, मतलब एक एक अलग ही मन भी लगता है साथ में पढ़ने का, एक चित्त की एकाग्रता भी बनती है। जी बिल्कुल। तो फिर क्या क्या विषय हैं आपके? मेरे साइकोलॉजी ऑनर्स हैं, हम पॉलिटिकल है और हिस्ट्री है कोर में, और सेकेंडरी में मेरा सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी है। अच्छा अच्छा, तो पॉलिटिकल साइंस भी है जी और हिस्ट्री भी है। हाँ, हिस्ट्री भी। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है? पॉलिटिकल लगता है। पॉलिटिकल लगता है, तो उसमें क्या विषय ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको मतलब कुछ रुचिकर टॉपिक तो लगे होंगे आप सेकेंड ईयर में हैं, तो कुछ आपको ऐसे टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस में लगे हों जिसमें आपको रुचि खूब बनी हो? संविधान में रुचि रखती है, संविधान जैसे भारत का संविधान है और फिर विश्व का संविधान जानने को मिलता है। अच्छा। शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती है जी, ये चीज़ें जानने को, तो हमको उसमें तो सारी उत्सुकता होती है, हम उसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। जी जी, उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि एक ये भी धारणा होगी कि जो है मेन मतलब कि वो हमको हम साइकोलॉजी इसलिए ले रहे कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। हाँ, अब जैसे अरुण कुमार सिंह है ना कि उच्चतर नैदानिक मनोविज्ञान और सामान्य शैक्षणिक मनोविज्ञान को, शैक्षणिक मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में क्या आपको लगा रुचिकर है? मनोविज्ञान हम इसलिए कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, हम कुछ नई चीज़ उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं जगह, जब पढ़ने फर्स्ट ईयर में थे तो इंटरेस्ट नहीं जगह, तो उससे धीरे धीरे हम लगाव हट गए, पहले से पढ़े नहीं थे कुछ, क्लास करने जाते तो कुछ समझ में कम आने आता था, धीरे धीरे उसे दूरी बनाए रखते थे, चले गए फिर दूरी बना ली है और अभी पॉलिटिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पॉलिटिकल पे, अब तो आपका ऑनर्स साइकोलॉजी हो गया है, पॉलिटिकल भी करवाना है हमको थर्ड ईयर में, तो क्या चेंज हो जाता है? पहले तो नहीं होता था ना? अभी हो जाता है। चलिए, अच्छा क्राइटेरिया होती है कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में आपका नंबर अच्छा होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। पॉलिटिकल साइंस एक लिहाज से इसलिए भी बेहतर रहता है कि
उसमें जैसे संविधान आपको मिल रही, तो आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो क्या जैसे आप बीए कर रहे हैं तो क्या सोच के आपने स्नातक बीए कर रहे हैं और अदर कोर्सेज क्यों नहीं, क्या लगता है? जिस बैकग्राउंड जाता है वहाँ पे बस बीएससी और बीए का ही चलता है। नहीं तो जैसे ए दे रहा, जैसे हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ हिंदी मीडियम है, यहाँ इंग्लिश का कोई लगाव नहीं है, क्योंकि हम बिहार बोर्ड से, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रहे हैं, जी जी बिहार बोर्ड से, बारहवीं भी बिहार बोर्ड से, जी जी। और यहाँ स्नातक में आ गए हम, बीएससी एक्सेल किए हैं, लेकिन हमको लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, यहाँ पर बीएससी आपने किया? यहाँ पे नहीं, विद्यापीठ से थे हम। अच्छा, विद्यापीठ में। तो वहाँ पे हम एक्सेल किए तो हमको नहीं हुआ, फिर हम यहाँ आ गए, फिर उसके बाद एक साल बाद यहाँ पे एंट्रेंस भी निकल गया, तो फिर यहाँ आ गए, छोड़ दिए। बीएससी आपने छोड़ दिया, तो मतलब बीएससी की लैंग्वेज इंग्लिश रही होगी? लैंग्वेज इंग्लिश। तो जैसे ये रहा होगा कि बीए इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है अच्छे से जो है यूपीएससी की आप तैयारी कर सकें, यूपीएससी कुछ आया होगा? ये भी एक रहता है, लेकिन अभी कुछ रहता है, अभी कोई एम नहीं। क्या जैसे एसएससी एसएससी की प्रिपरेशन चल रही है, सी एच एस एल जैसे एग्जाम्स दे, फॉर्म डाला 25 को मेरा, कभी कोई पेपर और एग्जाम्स दिए? एसएससी का कोई पेपर दिया नहीं है। अच्छा, अभी देने की तैयारी है? पहला पेपर है मेरा 25 को, अभी इसी 25 को। और कहीं कोचिंग वोचिंग ले रहे हैं? बस इंग्लिश पढ़ने जाते हैं। कहाँ पर? लंका पे जेपी सर की क्लासेस चलती हैं। अच्छा अच्छा, स्पोकन भी चलता है और ग्रामेटिकल भी चलता है। अच्छा, क्लासेस चलती हैं। तो अब तक जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं उसमें कोई आपको बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेसर लगते हैं? सर जो क्लास शिव सर, अभी हिस्ट्री में शिव सर हैं, और अभी उनका तबादला हो गया, उनका नाम था क्या, अरविंद सर। अच्छा, वो आते थे अरविंद सर पॉलिटिकल के लिए, अभी उनका तबादला हो गया है। तो बस वो अभी नए सर आए हैं तो क्लास ले रहे हैं, अभी तो क्लास कुछ वजह से क्लास डिस्टर्ब हो जा रही है, कोरोना, इसके पहले होली, जी जी जी, तो क्लासेस अभी चल नहीं रही है। ऐसे हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर क्लास चालू हुआ था, जी ये सब चीज़ें आ गई जी, तो कोरोना ने डिस्टर्ब कर रखा है। डिस्टर्ब तो बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के पढ़ते हुए आपको मिल जाएंगे अगर क्लास चलती हुई तो, लेकिन सब सन्नाटा पड़ा हुआ। अच्छा, सन्नाटा पूरा पड़ा हुआ। और देवेश सर हमारे पढ़ाई में मशगूल हैं, और सर क्या मतलब बीएससी करके आप क्या टीचिंग में जाना चाहते हैं? बीएससी करने के बाद बीएड करेंगे या एमएससी करेंगे? एमएससी करेंगे, तो फिर मैथ के प्रोफेसर बनेंगे, पीएचडी। तो कोचिंग वोचिंग जैसे मैथ पढ़ते हैं तो कोचिंग वोचिंग भी लेते हैं? नहीं, हम लोग मतलब अभी तो कोई वो नहीं है, जी जी, और कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। पिताजी क्या करते हैं? बीएसएफ में। बीएसएफ में, देश की सेवा में है। अच्छा, तो क्या ये नहीं होता कि एनडीए में गए होते और कोई देश सेवा में? नहीं, आप देश की सेवा तो कहीं से भी कर सकते हैं ना, बस एक शिक्षा जगत से भी आप, जी जी। तो इंजीनियरिंग जैसे आप सब्जेक्ट नहीं चुने, तैयारी वारी किए थे? एक्चुअली हम तैयारी तो किए थे बट क्वालिफाई नहीं हुआ, यूपीटीयू के थ्रू कॉलेज मिल रहा था लेकिन लिए नहीं, क्योंकि हमको बेनिफिशियल नहीं लगा यूपीटीयू से बीटेक। हाँ, क्योंकि बीटेक लोग करके आज भी प्राइवेट कॉलेज ऐसे 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 वो हो गया, एकदम बीए की तरह बन गया है डिग्री। हाँ, कोई मतलब वैल्यू नहीं है जी, प्राइवेट बीटेक का कोई फायदा नहीं। अच्छा, और कितने भाई बहन हैं? हम हैं और मेरी एक बहन है। जी जी, तो आप बड़े हैं? नहीं, हम छोटे हैं। अच्छा अच्छा, खैर अच्छा है। तो क्या देखते रहते हैं? प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व हो रहा है। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहे हैं। तो कौन से विषय आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं? मैथ। अच्छा, मैथ। और एसएससी एसएससी की तैयारी कुछ करते हैं? नहीं, अभी नहीं, फोकस नहीं है। बैंकिंग वैंकिंग? मेरा पूरा कंसंट्रेशन बस एमएससी पे है, उसके बाद फिर पीएचडी। अच्छा, नहीं, अच्छा, बहुत बढ़िया, भगवान आपको उसके लिए तरक्की दे और शुभकामनाएँ आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर साइंस फैकल्टी से हैं और मैं 4 सालों बाद इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ, और आपकी पहल पर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, क्योंकि पुरानी यादें हैं। कहाँ रहते हैं? रहते तो हैं, एक आश्रम है उसी में रहते हैं। जी जी, चलिए अच्छा है। बनारस में ही या फिर बनारस के बाहर? अब बाहर भी अब कोई ठिकाना नहीं रहता ना। ठीक, अच्छा है, बहुत अच्छा आप लोगों से बात करके, नाम भूल गए फिर, सचिन जी और देवेश जी, दोनों लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को YouTube पे देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।